नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। चलिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं होली बहुत नजदीक है आपके, और होली का त्यौहार साल में एक ही बार आता है। होली बुराइयों पर अच्छाई की जीत के उत्सव में ये पर्व मनाया जाता है। कहानी ये बहुत लंबी है, एक कथा है हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद और भगवान श्री हरि विष्णु की। तो इस दिन होली जलती है, होली तो जल जाती है लेकिन प्रहलाद बच जाते हैं। होली का दहन प्रहलाद को जला के खत्म करने के लिए किया गया था, पर हुआ उल्टा, क्योंकि जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसको ये वरदान प्राप्त था कि अग्निदेव उसके शरीर को कभी जलाएंगे नहीं। इसलिए वो अपनी गोद में प्रहलाद को लेके जलती हुई अग्नि में बैठ गई कि प्रहलाद जल जाएंगे और होलिका बच जाएगी। पर हुआ उल्टा, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद के शरीर को अग्निदेव ने नहीं जलाया और होलिका के शरीर को जला दिया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सत्कर्म हमेशा साथ चलते हैं और दुष्कर्म हमारी नाव को कहीं भी डुबा देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, जितना भी हो सके भला करें, बुरा ना करें। तो ऐसा ही मैं इस होली में ये 80 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग 17 मार्च 2021 को पढ़ रहा है, फागुन मास की पूर्णिमा। अगर आप शत्रु से परेशान हो, शत्रु आपको चारों तरफ से परेशान कर रहा है, आपकी संपत्ति पर नजर रख रहा है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपकी जान का भी जोखिम दिखाई दे रहा है, अगर शत्रु इस टाइप का आपको कोशिश कर रहा है आपको खत्म करने की, तो दोस्तों ये क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है और ऐसे शत्रु का सामना करने में आप असमर्थ हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये उपाय बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर मेरी चैनल की मुलाकात आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों आपको एक कागज ले लेना है। क्या करना है? कागज ले लेना है। और अगर आपका शत्रु बहुत प्रबल है तो ये क्रिया आपको 17 तारीख को होलिका दहन हो उस समय करनी है। एक कागज ले लेना है और उसको चौरस काट लेना है। दोस्तों उस कागज पे जो लकड़ी का जला हुआ कोयला होता है दोस्तों, उससे उस शत्रु का नाम लिखना है। क्या करना है? कोयले से शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों ध्यान रखें, कोयले की ऐसी कलम की तरह नोक बना लें, कागज ना फट जाए। शत्रु का नाम लिख दें, शत्रु के नाम के पहले एक गुणाकार का निशान लगाएं जिसको चौकड़ी कहते हैं, और नाम पूरा होने के बाद एक चौकड़ी लगाएं और आप जलती हुई होली में जाएं। होली की पहले आप फेरी लगा लें। उस कागज को आपको अपनी मुट्ठी में रखना है जिस पे आपने शत्रु का नाम लिख रखा है। ये फेरी लगाने के बाद आप अपना मुंह दक्षिण दिशा की तरफ करके खड़े हों। होली का दहन आपके जिस जगह आप खड़े हैं उससे ठीक सामने आपका दक्षिण दिशा में होना चाहिए होली का। और
अपने मन ही मन उस शत्रु का 5 बार नाम बोले, मन ही मन उसको बोलना है। ये क्रिया करते समय दोस्तों होलिका के समय वहां काफी सारे लोग होते हैं, तो कोई आपको टोक सकता है, तो आप ऐसी कोशिश करें जब वहां से लोग हट गए हों और होलिका दहन सिर्फ हो रहा हो वहां कम लोग हों, क्योंकि उस क्रिया करते समय आपको कोई टोके नहीं, बस इस चीज का ध्यान रखना है और वो कागज आपको होली में फेंक देना है दोस्तों, कंप्लीट आग में फेंकना है कागज, ऐसा ना हो कि हवा से इधर उड़ जाए या उधर उड़ जाए। आपको लगे तो कोई छोटा मोटा कंकड़ रख लें उस कागज में और उसमें लपेट के आप फेंक दें, अकेला कागज इधर उधर उड़ सकता है, कागज इधर उधर उड़ जाएगा तो दोस्तों आपका ये जो क्रिया है वो खंडित हो जाएगी। इसलिए आप कोई भी छोटा मोटा कंकड़ ले लें और कागज में रख के उस कागज को लपेट दें उसमें और धीरे से आप होली में उसको फेंक दें। आपका शत्रु इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक वो अपना सब कुछ खो देगा और धीरे धीरे वो कंप्लीट नष्ट हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको वो तकलीफ पहुंचा सके। दोस्तों किसी छोटी मोटी अदावत या कोई छोटे मोटे कारण से इस क्रिया का उपयोग ना करें जब तक कि आपको शत्रु से आपकी जान का या मान सम्मान या संपत्ति का खतरा ना हो, तभी इस क्रिया को करें। करते रहिए इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं असुविधा हो तो पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।